स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टडी करेंगे। क्लियर? अदर क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मुझे dy dx निकालना है और x समथिंग जहां दिया क्या है, x इज इक्वल टू हियर साइन क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t। क्लियर? एंड y इज इक्वल टू हियर कॉस क्यूब टी अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t। क्लियर? तो स्टूडेंट, हमें करना क्या है, dy dx निकालना है। तो इसके पिछले वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। यहाँ x y एक t थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपस में रिलेटिव होगा, तो यानी t क्या है, क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा, क्योंकि y और x डायरेक्टली एड नहीं हो सकते, कनेक्ट नहीं हो सकते। तो एक टी थर्ड पैरामीटर है जिसकी वजह से वाई और एक्स आपस में रिलेटिव होंगे। तो आपको डी वाई डी एक्स निकालना है। क्लियर? तो उसके पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि आपको डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि जो थर्ड पैरामीटर होता है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों डिवाइड कर लेते हैं। इट मीन्स वाई को टी के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स को टी के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। डी वाई डी एक्स ही निकालना है। तो स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा, यह क्यूब लिखा हुआ है, पावर रूट लिखा हुआ है, तो हमने आपको बता रखा है कि जब ऐसे फॉर्म में कभी आता हो तो इजी सेपरेट फॉर्म में इसको करने के लिए हम लॉग लेकर भी कर सकते हैं। तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन लॉग लेकर करेंगे थोड़ा इजी पड़ेगा। तो चलो, पहले हमें dx अपॉन dt निकालना है, तो इसका हम पहले क्या करते हैं, लॉग ले लें। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसका भी लॉग लेते हैं। तो जब यहां स्टूडेंट लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग x। क्लियर? लॉग का रूल जानते हैं कि x पावर जो भी m होता है, अगर इसका लॉग लेते हैं तो पावर आगे आ जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट, इसको सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन टी का होल क्यूब। क्लियर? और इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस टू टी का पावर हाफ, क्योंकि रूट है। ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस टी का होल क्यूब एंड अपॉन कॉस टू टी पावर हाफ। क्लियर? तो अब जब हम लॉग लेंगे तो ये 3 क्या आ जाएगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर को आप जानते हैं प्लस में लिखते हैं, तो जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और हो गया लॉग साइन टी। क्लियर? डिनोमिनेटर को माइनस में लिखते हैं, पावर को आगे लिखेंगे, एंड ये लॉग कॉस टू टी। क्लियर? अब इसका हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएट, और इसका भी सेम ऐसे लिख लेते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, लॉग वाई। क्लियर? और जब इसका करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा एंड लॉग कॉस टी एंड माइनस पावर आगे आ जाएगा एंड लॉग कॉस 2t। क्लियर? तो लिखेंगे यहां टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये लॉग हमने कर लिया। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर? यहां लिख लीजिएगा, यहां स्पेस नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसका t के रिस्पेक्ट में, तो लॉग के साथ जो भी होता है कहां लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, फिर x का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx / dt लिखेंगे। क्लियर? 3 लॉग के साथ जो भी चीजें होती हैं कहां जाती हैं, डिनोमिनेटर में जाती हैं, और साइन टी का जब भी लिखेंगे तो साइन टी का फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस टी आएगा। फिर यहां मैंने लिखा 1/2, लॉग के साथ जो भी चीजें होती हैं वो कहां जाती हैं, डिनोमिनेटर में, और जब कॉस 2t का करोगे तो माइनस कॉस का चूंकि साइन होता है 2t आ गया, और जब 2t का करोगे t का तो 1 हो जाएगा, केवल 2 आ गया। क्लियर? तो 2 2 और ये 2, ये तो कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां क्या आ गया, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, x यहां क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, सो इधर क्या आ गया, 3 cos t अपॉन sin t। क्लियर? एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसिल हो चुका, सो ये sin 2t अपॉन cos 2t। क्लियर? अब x की वैल्यू स्टार्ट वाली लिख लो, तो x की वैल्यू आपकी क्या थी, sin t होल क्यूब। क्लियर? एंड कॉस 2t पावर हाफ। क्लियर? यहां हम स्टूडेंट क्या करते हैं, साइन टी और कॉस 2t का एलसीएम लेते हैं, तो उसको हम बाहर कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, साइन टी एंड कॉस 2t बाहर हो गया। क्लियर? तो क्या बचेगा, यहां ऊपर क्या बचेगा, इसके साथ ये 3 कॉस टी हो जाएगा, और इससे इसको मल्टी, क्योंकि एलसीएम में यही तो करते हैं, जब दोनों डिफरेंट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो एलसीएम ले रहे हैं, तो 3 कॉस टी एंड कॉस 2t। क्लियर? एंड प्लस मल्टीप्लाई दिस, सो साइन 2t एंड हियर साइन t। क्लियर? तो ये आपका आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू साइन t, एक यहां और यहां 3 है, तो
एक तो कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स आ जाएगा साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस टू टी पावर हाफ एंड कॉस टू टी पावर वन, तो वन एंड हाफ 3/2, इट मीन्स कॉस टू टी पावर 3/2 इंटू साइन टी, तो कैंसिल हो चुका एक पावर से, इसके क्योंकि यहाँ 3 था यहाँ 1 था, और इसको मैंने लिख दिया 3 cos t एंड cos 2t प्लस ऑफ sin 2t इंटू sin t, क्लियर। ये आपका आ गया dx अपॉन dt। अब हम क्या करना है, dy dt के लिए निकालना है, क्लियर। तो ये आपने dx अपॉन dt फाइंड कर लिया, अब हम इसका फिर डिफरेंशिएट करते हैं। याद रहे आपको यहां लिख लेना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्लियर। स्पेस नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। तो उसका जब डिफरेंशिएट करेंगे लॉग के साथ, जो भी चीजें होती है कहां जाती है, डिनोमिनेटर में जाती है। फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dt, क्लियर। और जब इसका करेंगे तो log के साथ cos t है तो वो डिनोमिनेटर में गया, क्लियर। और जब cos t का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन टी आ गया, क्लियर। एंड माइनस वन अपॉन टू, लॉग के साथ जो भी चीजें होती है डिनोमिनेटर में जाती है, cos 2t जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, और जब cos 2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t, और जब 2t का करेंगे तो क्या है, केवल 2 आ जाएगा। तो फिर ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। सेम वही चीजें थी। अब हम यहां लिख सकते हैं dy अपॉन dt इज इक्वल टू y, उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, यहां हो गया विद माइनस 3 साइन टी अपॉन कॉस टी एंड माइनस माइनस प्लस साइन 2t अपॉन कॉस 2t, क्लियर। यहां से माइनस हम बाहर कर लेते हैं और y की जो वैल्यू थी वो भी हम पुट कर लेते हैं, क्लियर। तो यहां मैंने y की वैल्यू क्या थी, कॉस टी का होल क्यूब, क्लियर, एंड रूट एंड कॉस 2t पावर हाफ, क्लियर। अब यहां हम एलसीएम भी लेते हैं और साथ में माइनस भी बाहर कर लेते हैं, तो जब माइनस बाहर करेंगे तो माइनस यहां हो जाएगा, क्लियर। और जब cos टू टी का एलसीएम लेंगे तो बाहर निकल के क्या बन जाएगा, ये बनेगा cos t इंटू cos 2t, माइनस आप बाहर कर चुके हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस देखो यहां मैंने राइट कर दिया, क्लियर। तो ये प्लस हो गया और ये मल्टीप्लाई करेगा, इट मीन्स हो गया 3 sin t एंड cos 2t, बट यहां क्या हो जाएगा, माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos t एंड sin 2t, क्लियर। ये हो गया आपका, इट मीन्स अगर हम यहां देखें तो cos t है और यहां पावर 3 है तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं dy dt इज इक्वल टू हियर माइनस cos स्क्वायर ही हो जाएगा, तो cos स्क्वायर t मैंने लिख दिया, क्लियर। अपन ये cos 2t पावर 1 और ये हाफ, तो टोटल कितना हो गया, cos 2t पावर 3/2, क्लियर। और यहां जो बचा स्टूडेंट 3 sin t cos 2t माइनस cos t इंटू साइन 2t, क्लियर, इंटू यहां लिखेंगे साइन 2t, क्लियर। ये हो गया, तो आपने क्या किया, यहां dx अपॉन dt फाइंड कर लिया और ये dy अपॉन dt फाइंड कर लिया। अब आप क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, क्योंकि यही फाइंड करना था आपको, तो आपने एक थर्ड पैरामीटर यहां कौन सा यूज हुआ, t, तो t से न्यूमिनेटर में और t से डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो dy dt की वैल्यू पूरी ये लिखी, क्लियर, यहां से आपने निकाल लिया dx अपॉन dt की वैल्यू पूरी ये लिखी, तो dy dt को कहां रखेंगे, न्यूमेरेटर में रखेंगे, और dx अपॉन dt को कहां रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो देखते हैं कुछ चीजें जब कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दे, क्लियर। तो जब हम ये ऊपर लिखेंगे और ये नीचे, तो देखो ये चीजें दोनों की सेम आ रही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इट मीन्स यहां क्या बचेगा, विद माइनस cos स्क्वायर टी एंड हियर 3 साइन टी, क्लियर, एंड cos 2t एंड माइनस cos t एंड साइन 2t, क्लियर, ये बचा। और नीचे क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो चुका है इससे, क्लियर, यहां हुआ साइन स्क्वायर प्लस रहेगा यहां, क्योंकि यहां माइनस नहीं है, एंड हियर 3 cos t एंड cos 2t एंड प्लस साइन 2t एंड साइन t, क्लियर, ये डिनोमिनेटर में हो चुका है। अब आप यही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन और हम सॉल्व कर लेते हैं कि हो सकता है कुछ और कैंसिल हो जाए, क्लियर, यही आप आंसर छोड़ सकते हैं। तो अब यहां तक कैसे सॉल्व किए तो समझ में आपको आ गया, तो आगे हम इस स्टेप को और इस स्टेप को थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, क्लियर। तो मिनिमाइज कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स होते हैं वो रूल हम फॉलो करेंगे, क्लियर।
तो बाकी ये सब सारी चीजें तो समझ में आ गई, तो इसे हम इरेज कर देते हैं, फिर बाद में इसकी और इसकी अलग अलग सेपरेट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्लियर। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, तो इसको मैंने इरेज कर दिया, और अब हम देखते हैं कि इसकी अलग से वैल्यू मैं फाइंड कर ले रहा हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो इट मीन यहाँ क्या लिखा था, 3 sin t, क्लियर, और फिर लिखा था cos 2t एंड माइनस cos t एंड हियर sin 2t। अब ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटर में लिखा तो cos 2t लिखा हुआ है, और यहाँ sin 2t लिखा हुआ है, क्लियर। तो cos 2t के साथ यहाँ क्या है स्टूडेंट, साइन है, क्लियर। तो हम यहाँ cos 2t की दो तीन फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे cos 2t इज इक्वल टू, हम यूज कर सकते हैं 2 cos² t - 1, क्लियर, या 1 - 2 sin² t, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चलो हम ये यूज कर लेते हैं, क्लियर, 2 cos² t - 1, क्योंकि इसके साथ साइन है, और यहाँ भी यहाँ कॉस और साइन दोनों है, तो यहाँ हम cos 2t की कुछ ऐसी वैल्यू सेपरेट करेंगे। अगर मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी cos 2t, तो सब साइन आ जाएगा, जबकि यहाँ कॉस भी है, तो cos 2t की कुछ ऐसी वैल्यू हम करेंगे जिससे अगला वाला जो स्टेप है वो थोड़ा मैच करे। तो cos 2t की वैल्यू हम कौन सा रखेंगे, cos वाला, क्योंकि साइन ऑलरेडी है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3 sin t, cos 2t की दोनों वैल्यू यूज कर सकते हैं। ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इधर जो है वो cos और sin दोनों आ रहा है, तो जब हम ये वैल्यू यूज करेंगे तो इसमें पूरा साइन हो जाएगा, और हमें cos और sin दोनों चाहिए, इसलिए cos की हम फर्स्ट वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो cos 2t की वैल्यू मैंने लिख दी 2 cos² t - 1, क्लियर, एंड माइनस cos t, यहाँ 2t है, तो sin 2t का भी एक फार्मूला होता है 2 sin t एंड cos t, क्लियर। तो इसका जो फार्मूला रखेंगे 2 sin t एंड cos t, तो अब यहाँ क्या हो गया, 3 2 6 sin t और cos² t, तो sin t एंड cos² t एंड माइनस 1, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 sin t आ गया एंड माइनस cos t एंड cos t, सो 2 sin t एंड cos² t, क्लियर। तो यहां क्या हो गया, 6 sin t, क्लियर, तो 6 sin t cos² t, और ये -2 sin t cos² t, इट मींस हम यहां क्या लिख सकते हैं, 6 और 2, ये माइनस में हो गया, तो हम लिख सकते हैं 4 sin t एंड cos² t, क्लियर, एंड -3 sin t, क्लियर। तो इट मींस इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, साइन टी कॉमन हो रहा है, तो हम साइन टी कॉमन कर लेते हैं, और लिख दिया मैंने 4 cos² t - 3, क्लियर। तो ये इस चीज की वैल्यू सॉल्व की मैंने ये आ गई, क्लियर। अब इसी के जैसा सेम हम इसकी वैल्यू भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हम यहां सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है, 3 cos t एंड cos 2t प्लस ऑफ sin 2t एंड हियर sin t, क्लियर। तो अब यहां भी, यहां देखो जैसा साइन और साइन दोनों है, लेकिन साइन 2t की जब वैल्यू यूज करेंगे तो 2 sin and cos, साइन और कॉस दोनों आएगा, तो यहाँ भी cos 2t की ऐसी वैल्यू यूज करिए जिसमें cos और साइन दोनों है, तो cos तो यहाँ पहले से है, तो इसकी वैल्यू के बाद हम साइन वाला रखेंगे, समझ में आ गया ना। तो यहाँ लिखा 3 cos t, और इसकी वैल्यू के बाद कौन सा रखेंगे, साइन वाली वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस जब इसको ओपन करेंगे दोनों आएगा। हर एक फॉर्मूला बताता है कि मुझे क्यों यूज करना है, तो यहाँ समझ में आ गया ना क्यों यूज करना है, तो 1 - 2 sin² t एंड प्लस sin 2t मतलब 2 sin t एंड cos t एंड हियर sin t, जो मैंने कहा था कि cos और sin दोनों आएंगे तो वो वहां आ भी गए। अब जब इसको हम ओपन करते हैं तो 3 cos t हो गया हियर एंड माइनस 3 2 6 cos t एंड sin² t एंड प्लस आल्सो 2 sin² t एंड cos t। अब अगर हम ये और ये देखें तो दोनों सेम हो गए, बट हियर 6 - 6 एंड +2, तो सबट्रैक्ट कर लेंगे, इट मींस क्या आ गया, 3 cos t - 4 cos t एंड sin² t, दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है स्टूडेंट, cos t कॉमन हो रहा है, तो 3 - 4 sin² t, क्लियर। तो अब हम वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। तो यहां वैल्यू क्या थी, -cos² t थी, तो यहां मैंने लिख दिया -cos² t, क्लियर। और जो इस चीज की पूरी वैल्यू मैंने सॉल्व की है वो क्या आया है स्टूडेंट, चलो यहां ना लिख करके हम यहां लिख दे रहे हैं -cos² t, और इस पूरी चीज की जो वैल्यू मैंने सॉल्व की है यहां लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, sin t एंड 4 cos² t - 3, क्लियर, ये लिखा हुआ है।
और यहां डिनोमिनेटर की जो वैल्यू मैंने सॉल्व की साइन स्क्वायर टी, ठीक, और यहां ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करके लिखा मैंने कॉस टी एंड 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, क्लियर। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां कॉस टी है और यहां स्क्वायर है, तो ये पावर तो यहां से कैंसिल हो गया, क्लियर। एक साइन टी है यहां और यहां स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया। अब हम इस कॉस टी को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। यहां माइनस लगा हुआ है, तो माइनस जैसे ही कॉस टी में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4 cos³t, क्लियर, एंड -3 cos t, क्लियर। और जब यहां हम करेंगे फिर ये साइन टी बचा हुआ है, साइन टी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 sin t एंड -4 sin³t, क्लियर। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है cos³θ का, तो cos³t अगर लिखे हम तो आएगा 4 cos³t -3 cos t, ये फॉर्मूला है, 11th में आप लोगों ने पढ़े। और sin³t इक्वल टू 3 sin t -4 sin³t, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट मींस dy/dx इक्वल टू, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला ये बिल्कुल फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर यहाँ थीटा होता तो cos³θ बनता, तो ये बन गया t है तो cos³t, और ये किसका बन रहा है sin³t का बन रहा है, तो यहां मैंने लिख दिया हियर sin³t, क्लियर। तो इट मींस -cos³t/sin³t, तो क्या बन गया cot³t, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट थोड़ा सा लेंथी था, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हुआ, क्लियर।